आओ। अरे लो लो, हम नहीं जाएंगे। क्या रह गया? गुरु रह गया अंदर। बाय बाय। बुआ से को आ। मुलायम मुलायम असली घी में सेकना इसको। अच्छा, फाइन में मत सेकना। हल्का हल्का असली की तो फिर गौरत रंजा के पास मिलेगा। हाँ, बस बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। सुबह लंच में भी आप रख के दे सकते हैं, हेल्दी भी है बहुत, और आप अच्छे से फिर आपको भूख नहीं लगेगी इसको खाने के बाद कम से कम 1-2 घंटे तक। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द ब्लॉग और वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ एक्सप्लोर विद आकांक्षा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे, ज़बरदस्त होगे। सो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था हमारी प्यारी सी नंद रानी की रिंग सेरेमनी। दोनों बहुत ही क्यूट कपल हैं, बहुत ही अच्छे हैं, इनोसेंट हैं, और दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। दोनों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और नेक्स्ट मॉर्निंग में गुरु की बुआ, फूफा जी और दिन भैया जा रहे हैं नोएडा, तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट में सब फ्रूट्स इन्जॉय कर रहे हैं। इसके बाद गुरु की बुआ बनाने वाली हैं बहुत ही हेल्दी डिलीशियस सा सैंडविच, तो उसकी रेसिपी शेयर करने वाली है। तो चलिए रेसिपी को एंजॉय करते हैं, उसके बाद सैंडविच को एंजॉय करते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पर हमारी जो नंद रानी है वो बना रही है सैंडविच, जो सबको बहुत पसंद आई थी, लेकर आई थी, तो अभी वो बना रही है, तो आपको दिखा दे कैसे बना रही है। बहुत अच्छी थी, जिन्होंने भी खाए सबने खाए, सबको बहुत पसंद आए। हम लोग भी सीखने वाले हैं, आप सिखाने वाली हैं? हाँ बिल्कुल, सबको बहुत पसंद आए मेरे हाथ के। अब मुझे सब कुछ बनाना आता है, खाना पीना जो मुझे पहले नहीं आता था, अब मुझे सब आता है। तो चलिए सीखते हैं। थोड़ा घी या रिफाइंड जो भी हो आप यूज़ करते हो, उसके बाद जीरा, उसके बाद टमाटर चॉप करके, और एंड उसके बाद हमने हल्दी, नमक और हल्की सी लाल मिर्च, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी ना हो, बस वो सब डाला है। और बस पहले ही सूखे आलू रेडी कर लेंगे। ये आलू पनीर सैंडविच बन रहा है। खाली पनीर सैंडविच बनाना है तो इसमें से आलू की कोई नहीं थी, सिर्फ पनीर आप घिस के और अच्छे से सारे जितने भी वेज हैं चीज़ें वो आप सब लगा सकते हो, खीरा, टोमेटो, जो भी लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें आप लगा सकते हैं। ये भी हल्दी, ये भी हल्दी, पर कईयों को आलू वाला लाइक अच्छा लगता है, जो पनीर तो उसके लिए अच्छा लगता है। ऑयल, बटर, घी जो भी यूज कर रहे हैं वो कम यूज करना है, कम यूज करना है। तो हमें सिर्फ आलू के लिए चाहिए, इसमें लगाने के लिए लेयर। आलू तो ऑलरेडी नॉर्मल सूखे आलू भी बनते हैं, इसको थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल दिया, इसको मिक्स कर देंगे। हाँ, इसको बस मिक्स कर देंगे। ये इन्होंने आटा ब्रेड ली है, ब्राउन ब्रेड नहीं ली है, और अब इस पे ये स्प्रेड करने जा रही हैं सॉसेस। तो यहाँ पे है टोमेटो सॉस, मेन बेस है जो तैयार हो रहा है, ये बेस रेडी हो रहा है, और ऊपर की लेयरिंग अलग से करेंगे। ठीक, पहले हम ब्राउन मेयोनीज डालेंगे। ठीक है, ब्राउन मेयोनीज डालिए क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना है, तो एक साथ 4 ब्रेड रख के कर लो, अदरवाइज एक एक कर सकते हैं। व्हाइट मेयोनीज, इसमें 3 मेयोनीज पड़ेंगे। हाँ, व्हाइट, ब्राउन और 2 मेयोनीज और पिज्जा टॉपिंग, एक टॉपिंग है। अच्छा, 2 मेयोनीज है, एक टॉपिंग है। मिक्स कर लिया अच्छे से। तो अच्छे से मिक्स कर लोगे ना, तो ये बहुत ज्यादा, मतलब जिसे बोलना चाहिए एक बढ़िया सा वो बन जाएगा। सब अच्छे से इसको मिक्स, बहुत अच्छा आएगा ना, टेस्ट अच्छा आएगा, और इससे स्प्रेड बहुत बढ़िया से हो जाएगा सब चीज मिक्स होके। और आप ये इतना एक्स्ट्रा नहीं रखना है, इसको अभी क्या करना है, इसको एक्स्ट्रा वाला दूसरे में लगा देंगे। एक्स्ट्रा वाला जो है हमें दूसरे ब्रेड में लगा देना है, ऐसे करके इसे चम्मच से ऐसे उतारना है। देखो कितना सारा आ गया है, 1 चम्मच में। ठीक है ना, और इसको ऐसे करके लगा दीजिए, इसको साइड में रख दीजिए इस ब्रेड को। पहले अब हम उसके ऊपर से घिस के पड़ेगा। ठीक है, स्टॉल पे तो आलू, आलू लगा दिया जो भी हमने बनाए थे। आपने इस पर थोड़े थोड़े ऑनियन स्प्रेड करें। ठीक है, फिर थोड़े से टमाटो स्प्रेड करें। खीरा भी कर सकते हैं ना, खीरा भी कर सकते हैं। खीरा डाल रहे हैं थोड़ा सा, देखो बच्चे खीरा सब चीज़ें खा लेते हैं,
अदरवाइज अगर वैसे दे दो इनको तो कुछ नहीं खाएंगे। शिमला मिर्च, ये शिमला मिर्च है जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है, सुबह लंच में भी आप रख के दे सकते हो सैंडविचेस बना के, क्योंकि बच्चे ना अलग से खीरा टोमेटो ये सब नहीं खाते हैं। अगर आलू के साथ ना आप इसको मिक्स कर दोगे, ठीक है, शिमला मिर्च है, खीरा है, टोमेटो, ऑनियन, तो ये सारी चीजें भी जाएंगी और उनके लिए हेल्दी भी रहेगा लंच के लिए, बहुत टेस्टी भी लगता है। ठंडे होने के बाद भी ये सैंडविचेस बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब अगर आप ये सोचो कि सुबह हमने बना दिया बच्चा दोपहर में खाएगा तो ठंडे हो जाएंगे, पर ठंडे में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और पनीर का भी सब कुछ सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उसको। ये हो गया बस, अब पनीर की नीड। कलरफुल सैंडविच बस से या कोई भी हो आप उसको डायरेक्ट घिसो, ऐसे मत डालना। अच्छा पनीर कॉर्नर्स नहीं छोड़ने को, जो अगर आपके पेट अच्छा, के बाहर भी गिर रहा है वो कॉर्नर्स ही अच्छे ही लगते हैं बाद में जब खाली खाली से, तो उसको कॉर्नर्स को आप लगा दो, अगर पनीर आपका बाहर भी निकल रहा है। मिसेस परफेक्शनिस्ट रखते हैं आपका नाम। ओके इन सैंडविच और थोड़ा सा सॉल्ट और डोसा भी बहुत है, डाल दिया थोड़ा सा नमक क्योंकि पनीर फीका होता है ना, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, देन वी हैव टू फिट, जिसको पसंद हो ब्लैक पेपर भी डाल सकता है। तो जब हमें अब हम इस ब्रेड को इसके ऊपर रख देंगे और इसको हल्का सा दबा देंगे, ठीक है, बस नॉन स्टिक तवे या असली घी में सेकना इसको। अच्छा फाइन में मत सेकना, हल्का हल्का घी, असली घी तो फिर गौरव तनेजा के पास मिलेगा। हाँ, बस वो हमने मंगवा रहे। ठीक 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 है, चलो ही होंगे। तो हमने हल्का सा इसमें घी लगा दो, जो भी आप खाते हो बटर, देसी घी, हरी चटनी जैसे आप लोग धनिया और मिर्च, धनिया पुदीना और वगैरह, टोमेटो की आम मैंगो वाली, तो वो भी आप हल्की सी, मैंगो नहीं मतलब वो बिना मैंगो की, जो खट्टी मिट्टी भी लोग पसंद करते हैं ना डाल सकते हैं, धनिया पुदीना ये सब डाल सकते हैं, अच्छी लगती है। सैंडविच अच्छे से फ्राई मतलब अच्छे से पक जाना चाहिए दोनों साइड, बोथ साइड से, अदरवाइज फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, ब्रेड कच्ची कच्ची लगेगी। सिक के इस तरह ब्राउन आना चाहिए, मतलब पूरी ब्रेड आपकी सिक गई है, ब्राउन होगी, बिकॉज ये थोड़ी ब्रेड जो है ना टूट रही है, बट कोई बात नहीं, सॉफ्ट रेडी हो गया, सॉफ्ट है जी, सही है। अब एक प्लेट में, तो ये आपका सैंडविच है और इसको हम बीच से कट के बंद कर दूँगी, इसे ही अच्छे से दबा के बहुत सिंपल से इसको करके दबा के काट दीजिए, ऐसे ऐसे चला दीजिए इसको ट्रेन की तरह। ये देखिए दो अलग अलग पीस हो गए, ठीक है, और यहाँ पे सॉस रखे आप सर, तो ये सॉस है, अगर चटनी भी हरी चटनी भी साथ में रख सकते हैं, जो हेल्दी भी है बहुत और आप अच्छे से, फिर आपको भूख नहीं लगेगी इसको खाने के बाद कम से कम एक दो घंटे तक। हाँ सही, बिल्कुल बहुत अच्छा, कुछ थैंक यू, थैंक यू इतनी अच्छी सैंडविच की रेसिपी बताने के लिए, बहुत अच्छा है। हम लोग भी ट्राई करेंगे और फिर शेयर करेंगे फ्रेंड्स लोग के साथ, फिर वो बताएंगे कि आपका अच्छा था कि हम लोग अच्छा था, ठीक है, ठीक ठीक, खाना और आप लोग भी सब बना के देखिए, ठीक 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 ठीक। सब लोग सैंडविच यहाँ पे खा रहे हैं, देखो यहाँ पे मम्मी खा रहे जा रही हैं। कैसे बना है? तो ये रोली जी ने बनाया है, आपकी बिटिया ने, बताइए, बढ़िया, अच्छा आत्मा तर हो गई बिटिया के हाथ में, बहुत अच्छा लग रहा है, सबको बहुत पसंद आ रहा है, तुम बताओ अबा। हाँ ये आपकी सिस्टर ने बनाया है, बताइए कैसा लग रहा है? अच्छा हो गया ना, अगर बनाएंगे ऐसा तो हाँ खाओगे ना, बहुत अच्छी बहुत हेल्दी है, खाना चाहिए, खाओगे ना। सो अभी नंदारी ने बनाई है सैंडविच और अभी हम लोग खाने जा रहे हैं, फिर देखते हैं कैसी बनी है और फिर उनको जाना भी है तो आपको दिखाते हैं। सो अभी हम लोग नंद रानी के साथ सैंडविच खाने जा रहे हैं, जो उन्होंने बनाया है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, खाते हैं बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, ये भी खाया थी, अब आप लोगों को भी कभी बना के खिलाएंगे, कभी मिलिए मिलते हैं अभी, मजा आ गया, खा मजा आ गया, बहुत टेस्टी बहुत डिलीशियस, और आप भी बनाइए खाइए एंजॉय करिए, अपने बच्चों की लाइए रेसिपी आपको इन लोगों के ब्लॉग में मिलना चाहिए तो आपने देखी दी है, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियो को देखते रहिए, अपना खूब सारा प्यार देते रहिए।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये देखिए यहाँ पर गुरु की मस्ती चल रही है, रिदिम भैया के साथ घूमी घूमी कर रहा है, दोनों बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चे मिले हैं काफी टाइम के बाद, तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं सब लोग। हाँ, सो भाभी बनाने जा रही है नमक अजवाइन का पराठा, जिया जी को पसंद है और भाभी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे बनाती है, सो इनके डिपार्टमेंट में आया है अजवाइन का पराठा। तो चलिए ये बनाने जा रही है, फिर जिया जी का रिएक्शन लेंगे, पूछते हैं कैसा बना, तो आता ही है उनको, फिर भी पूछेंगे। ठीक है, चलते हैं। सिंपल पराठा बनाने, सिंपल सा पराठा। इसमें लगाया है देसी घी और इसमें नमक डाल दिया था हमने आटे में ही, और इसपे अजवाइन डाल दी है। अब इसको फोल्ड करेंगे और पराठा बनाएंगे। हम फोल्ड करेंगे, अभी एक बार फिर से फोल्ड कर रही हैं। इससे क्या होगा, इससे और सॉफ्ट बनेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट, इससे और सॉफ्ट बनेगा। सो यहाँ पे पराठा रेडी हो गया है दूध के साथ, तो चलिए चलते हैं, देते हैं और पूछते हैं कैसा लगा। अच्छा ही लगेगा, चलते हैं। मुलायम मुलायम वो ने टॉफी खा ली। हाँ बुआ से को आ, बुआ ने टॉफी दी है, टेस्टी टेस्टी ना है, कभी कभी खा लेते हैं। कह रहा गुरु की टॉफी क्यों खा दी है, गुरु की टॉफी है, कौन खा दिया, बुआ ने, कोई बात नहीं शेयर करते हैं ना। बुआ को पूछा कर दो, पहले कर दो बुआ को। और अभी वो समय आ गया है जो किसी को भी नहीं पसंद होता है, क्योंकि जब कोई हमारे घर पर आता है और हमारे अपने जब हमारे घर पर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही चहल पहल रहती है, सब लोग हंसते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, आउटिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। और अभी वो समय आ गया है कि ये लोग जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। मम्मी इमोशनल हो जाती हैं हर बार, तो अभी भी मम्मी इमोशनल हो गई हैं और गुरु भी बहुत इमोशनल हो जाता है। तो आगे व्लॉग में आप देखिएगा, गुरु बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था और कुछ और भी हुआ था, क्या हुआ था उसके लिए आप व्लॉग में बने रहिए। ये लो गुरु, मम्मा को दे दो, मम्मा को दे दो, गुरु खुश, पॉकेट में रख लो, गुरु खुश, कैसे मिले, पॉकेट नहीं है। किसके गोली थे गुरु, कहाँ बुआ को ड्रॉप करने जा रहे हो, बैंकॉक कहाँ ड्रॉप करने जा रहे हो, हाँ गाड़ी चल रही है। अच्छा ये तो इसी खेल रहा है, यहाँ हो रहा है भारत मिलाप, सिस्टर मिलाप हो रहा है, बच्चा मिलाप हो रहा है। जा रहे चलो 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 चले वो जा रही, वो जा रही, बाय बाय, उदास हो गया, उदास हो गया, उदास हो गया, बाय 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 रिदिम, आना फिर, ठीक है आना, अच्छा लगा बहुत, आते रहना ऐसे ही, ठीक है मम्मी, बाय। चलो बाय बाय बाय, खुश रहो खुश रहो गुरु, बाय 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 बाय, चलो नोएडा आना, हाय।
जा रहा क्या सही में? गुरु जा रहा क्या? वो तो जा रहा हूँ, रोएगा फिर आएगा नहीं, निकलेगा नहीं। बाय, चलोगी हो? अरे बाय, क्या रह गया? गुरु रह गया अंदर, कह रही क्या रह गया? और क्या, आ गुरु आओ, आओ चले, आओ जल्दी आओ चले। मना कर रहा है गुरु, मैं नहीं जाऊंगा। आओ, अरे लो अंदर लो, हम नहीं जाएंगे। नहीं आए, हेलो हाँ रख लिए, अरे जबरदस्ती ले लो, हाँ उधर चले, अच्छा निकलते बाहर हम, चलो हम नहीं जा रहे, हम जा ही नहीं रहे। अब बाबा वाली घर चलेंगे, चलो हम नहीं जाएंगे, बस गाड़ी सही करा के लाओ, गाड़ी खराब हो गई इनकी, गाड़ी खराब हो गई है, चलो हम चलते हैं घर वापस, दूसरी गाड़ी से चलेंगे, दूसरी गाड़ी से चलेंगे। बाय 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 बाय, आना ठीक है, बाय। हाँ बुआ कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? नोएडा। हम लोग भी चलेंगे, ठीक, ओके ओके, बाय बाय, राधे राधे। नोएडा जाना है? अरे नोएडा अभी देखो, भेज अभी भेज रहे हैं। कहाँ चलना है, कहाँ चलना है? कहाँ जाना है? बुआ कहाँ गई है? कल अपने घर गई। हाँ अपने घर गई, कहाँ जाना है आपको? हमको कार से जाना है। कार से कहाँ जाना है? नोएडा जाना है, चलेंगे अभी, पापा आ जाए फिर चलते हैं, पापा आ जाए फिर चलते हैं इस गाड़ी से, ठीक अभी चलेंगे। तो जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा, गुरु बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, उसको भी नोएडा जाना था, वो वापस ही नहीं आ रहा था। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर पति देव चले जा रहे हैं नोएडा साथ में, तो इनको कुछ काम याद आ गया था, तो उन्होंने सोचा साथ में चले जाते हैं और ट्रेन से फिर वापस आ जाएंगे। तो बस ये एक फैमिली ब्लॉग था, और गुरु की बुआ फूफा जी आए, बहुत अच्छा लगा, फिर से आएंगे, फिर से हम इन्जॉय करेंगे, जल्दी आने वाली हैं गुरु की बुआ फिर से, तो फिर से आपको मिलवाएंगे। और हम भी प्लान कर रहे हैं नोएडा जाने का, तो देखते हैं कब प्लान बनता है, सो के साथ शेयर करेंगे। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, फैमिली ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपना खूब सारा प्यार देते रहिएगा जैसे आप दे रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल, सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय सियाराम, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।